आज जाएंगे हम लोग थाइनाला बीच। तो बीच का सामने हम लोग आके चलिए आप लोगों को दिखाते हैं बीच का नजारा। तो बने रहे वीडियो में आप लोग। तो बीच का अंदर तक जाने वाले हैं। तो ये रोड लकड़ी का जो रोड है बहुत दूर तक जाता है अंदर। तो लकड़ी का रोड यहाँ से शायद आधा किलोमीटर तक नहीं तो 500 मीटर 300 से 400 मीटर तक होएगा। तो बने रहे वीडियो में बहुत कुछ देखने वाले हैं। देखते हैं अंदर क्या क्या बीच में नया कुछ बना है कि नहीं बना है। तो हम लोग हैं अभी धानी नाला बीच में। तो चलिए देखते हैं आगे का नजारा। बने रहिए आप लोग। ये हम लोगों का रहा धानी नाला बीच। ये बीच का पहले वीडियो नहीं आया, देख सकते हैं धानी नाला बीच। आप लोग चाहे तो धानी नाला बीच आ सकते हैं जो नॉर्थन मिडिल अंडमान में पड़ता है। और ये बीच में अंदर जाने के लिए फीस लगता, तो फीस अभी तो संडे है आज, तो आज फीस नहीं लगेगा। तो आना है तो संडे का दिन आइए, फीस नहीं लगता। और बाकी देखते रहिए वीडियो में, बने रहिए अंदर तक जो बीच में क्या क्या अंदर है। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन आप लोग बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए तो समझ में आएगा बहुत कुछ। देखिए धाई नाला बीच है। तो चलते हैं अंदर। चलिए चलते हैं अंदर तक। देखिए ये जो रोड है बहुत अच्छा बना है, लकड़ी का है फुल। और साइड में जो खाड़ी का पेड़ रहता वो है। तो देखने में तो बहुत अच्छा है। पहले भी हम आया था बीच में लेकिन पहले बहुत अच्छा था। ऐसे देखिए लकड़ी का हालात ख़राब है बहुत जगह से, लेकिन ठीक नहीं करते पता नहीं क्यों। कोई गिरेगा उसके बाद ही शायद ठीक करेगा इसलिए। देखिए यहाँ से सड़ गया है पूरा लकड़ी वगैरह। नीचे जो हम लोग नीचे देखिए यहाँ पे जो चल रहा है, चलने का जगह है वहाँ पे भी बहुत सारा लकड़ी सड़ गया है। ठीक है ये तो ठीक कर देंगे शायद। देखिए आगे बहुत कुछ है देखने का अंदर, क्योंकि ये बीच बहुत अच्छा है। ये देख सकते हैं बहुत सारा चीज अंदर बना है। लोग अंडमान में आइए, बहुत सारा बीच में फीस लगता, लेकिन नॉर्थन मिडिल अंडमान में सिर्फ एक ही बीच में फीस लगता अंदर जाने के लिए। बाकी हर जगह आप लोग रुक के देख सकते हैं बीच, वहाँ पे घूम सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि अभी तक कुछ नहीं बोलता, लेकिन बाद में शायद हो सकता है ऐसा कुछ रूल्स, लेकिन अभी कोई रूल्स नहीं है। जो यहाँ पर खड़ा होकर देख नहीं सकते, हर जगह घूम सकते आप लोग बिना फीस का। लेकिन यही एक बीच है जिसमें फीस लगता है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगा है, क्या क्या है अंदर, क्या क्या पाया जाता है। चलिए अंदर देखते हैं। ये छोटा छोटा बैठने का जगह बनाया है नेस्ट का। जैसा जो आप लोग बैठ भी सकते हैं पर यहाँ के बारिश वगैरह हुआ तो धूप में चल चल के। चलिए सामने देखते हैं क्या क्या है। धूप में चल चल के अगर
थक जाए तो वहाँ पे बैठ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा लंबा रास्ता है, लकड़ी का रोड थोड़ा लंबा है बीच तक जाने के लिए। अच्छा बीच है अंदर वाइट सैंड का। अंडमान में आइए घूमने, कभी आप लोग तो देख पाएंगे कि बहुत कुछ है देखने वाला अंडमान में देखने के लिए। देखिए यहाँ पर भी एक बोर्ड लगा है, चलिए अंदर देखते हैं। वो देखिए वहाँ पर भी एक छोटा सा घर बना है जो बैठने के लिए, वॉशरूम वगैरह अंदर है शायद। पहले तो हम जब आया था तब नहीं बनाया था, ये रोड को ये जो है यहाँ से ठीक किया है रोड, शायद इस लोग ठीक कर रहे हैं रोड को, क्योंकि बहुत दिन हो गया हम आया था तो बहुत अच्छा से लकड़ी वगैरह डाले है इस लोग। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा घर जहाँ पे बैठने का जगह है, पिकनिक भी बना सकते कोई बात नहीं, लेकिन कचरा नहीं करना। ये देखिए कितना कचरा करके रखा है इस लोग, कचरा नहीं करना बस। ये एक बोर्ड है, हर जगह बोर्ड लगा के रखे हैं, लेकिन अच्छा है पढ़ के भी जा सकते हैं अंदर क्या क्या है, आप लोग जान भी सकते हैं, लेकिन कचरा नहीं करना बीच में। हर जगह डस्टबिन लगा है, वहां पर फेंकना। चलिए देखते हैं आगे, ये छोटा सा और भी और एक घर बैठने का जगह। ये देखिए हम लोग आ गया है एंड तक, कितना बड़ा रास्ता है, रोड बहुत बड़ा है, लंबा बहुत है, घुमा के ठीक है। देखिए आप लोग तो अंदर चलते हैं इसका, देखिए यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, बहुत अच्छा जगह है घूमने का। बीच है दोनों तरफ, लेकिन चलिए ये तरफ चलते हैं, ये तरफ भी जा सकते हैं कोई बात नहीं। ये देखिए आ गए हम लोग बीच का पास आ गए हम लोग, क्योंकि ये सब बर्ड मिलता है हमें, सब बर्ड जितना भी बोर्ड में लगा है देख सकते हैं। बैठने का भी जगह है बहुत सारा, डस्टबिन वगैरह सब लगा है। ये देखिए पिकनिक मनाने का वो तरफ भी घर है, पिकनिक में आ सकते, घूमने भी आ सकते, कुछ लोग आए हैं उधर, लेकिन उस तरफ हम लोग नहीं जाएंगे, जो लोग पहले से बैठा है। तो दिखा देते हैं आसपास का नजारा, देखिए छोटा छोटा बैठने का जगह हट बना के रखा है, लेकिन दुकान वगैरह नहीं मिलेगा आप लोगों को। दुकान के लिए वो मेन रोड का बाहर ही, बीच का बाहर मिलेगा, जहाँ से हम लोग आए थे वो तरफ मिलेगा, हर जगह बैठने का जगह मिल जाएगा हम लोग, हर जगह बैठने का जगह मिल जाएगा हम लोग को। तो
झूला भी बना है ये तरफ, देखिए झूला बना के रखा है कुछ। देखिए सैंड एकदम व्हाइट नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश है, देख सकते हैं बीच का नजारा। जितना दूर दिख रहा है उतना दूर आप लोग जा सकते हैं, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये था बीच, आप लोग मजा लीजिए। देखिए कितना अच्छा बीच है, कोई नहीं है बीच में, क्योंकि आज दूसरा बीच बहुत सारा बीच है उसमें फुल रहता। पंचवटी इको टूरिज्म बीच में शायद सब लोग गए हैं आज, देख सकते हैं बैठने का जगह वगैरह सब कुछ है। ठीक है, आज के लिए यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है, मिलेंगे आप लोगों से कल का नहीं तो और एक अगला वीडियो में।